स्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद, भगवान की रसभरी अनुराग भरी गाथा से प्रेम रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। संसार में जितने भी प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है, उन प्राणियों की तीन इच्छाएं रहती हैं, हम कभी मरे नहीं, हमारे जीवन में कभी दुख न आए, हमारा जीवन अज्ञान में न बीते। तो ये तीन गुण परमात्मा के ही हैं, इसलिए सबके चित्त में जो चाहत है वो परमात्मा की ही है। अगर हम जीवन चाहते हैं, मृत्यु का वरण नहीं करना चाहते हैं, तो हम सत्य को चाहते हैं, और यदि हम ज्ञानवान बनना चाहते हैं तो हम चित्त की कामना कर रहे हैं, और यदि हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो हम आनंद की कामना कर रहे हैं। तो परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद में। तो संसार के सभी प्राणियों की कामना तो परमात्मा की ही है, और ये परमात्मा की कामना क्यों है सबके चित्त में, एक दार्शनिक सिद्धांत है। कार्य का कारण में गुरुत्वाकर्षण होता है, जो जिससे प्रकट होता है उसकी यात्रा उधर की ओर ही होती है। जैसे हम लोग मोटर के द्वारा पानी टंकी में तो चढ़ाते हैं, किंतु जहां उसको अवकाश मिलेगा वो नीचे को ही भागता है, क्योंकि उसका वाटर लेवल नीचे है। आकाश में हम ढेला मारेंगे, गति समाप्त होने के बाद वह नीचे ही आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि उसका कारण मिट्टी जो है, उसका कारण है ढेले का, वह नीचे है। तो हम लोगों की जो चाहत है सबकी, चाहे वो किसी जाति में हो, चाहे किसी संप्रदाय में हो, मनुष्य को तो छोड़ दिया जाए, जंतुओं की भी चाहत है कि हम कभी मरे नहीं। मच्छर भी मरना नहीं चाहता है। आप मच्छर को मारने का प्रयास करना, तुरंत भाग जाएगा, वो जान जाएगा कि इनका इरादा ठीक नहीं, यहां रहना ठीक नहीं है, आंखों को पहचान जाता है। तो मच्छर भी मरना नहीं चाहता है। वृक्ष भी, अभी हमने सुना है, लोगों से पढ़ा भी है कि यदि कोई माली कुल्हाड़ी लेकर के जाता है तो वृक्ष अंदर से कांप जाते हैं कि हमको ये काटेगा। वही माली यदि पानी लेकर के जाता है, खाद लेकर जाता है, तो वृक्ष प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वृक्षों में भी जीवन है। तो जितने और भी कई रिसर्च हमें जानकारी में है, कभी आप खिड़की खोलो और सूर्य की रश्मियां उस खिड़की से आ रही हो तो छोटे छोटे कण उड़ते हुए नजर आते हैं, जिन्हें आज की भाषा में अणु कहा जाए। वह अणु भी ऐसी जगह जाकर रुकना चाहता है जहां उसको कोई हस्तक्षेप न करे, जहां उसको कोई छेड़े नहीं, उसको परेशान न करे। अभिप्राय क्या है कि कण कण की यही कामना है कि हमारा जीवन सुख से भर जाए, शांति से भर जाए। इसी आयास प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, किंतु क्या जो प्रयास में हम लोग लगे हैं वह प्रयास ठीक है कि नहीं ठीक है? जरूरी नहीं है कि हम चाहते तो तेल हैं, किंतु रेत से यदि तेल निकालने की महाराज हम प्रतिष्ठा करें, प्रयास करें कि उससे हमें तेल मिल जाएगा, तो क्या जीवन में कभी मिलेगा क्या? आप चाहे जीवन भर रेत को आप पेलते रहो कोहलू में,
कभी भी मिलने वाला नहीं, भले हमारी कामना निश्चित रूप से तेल प्राप्त करने की ही है, वैसे ही महाराज सुख प्राप्त करने की अभिलाषा हमारे चित्त में है और अनात्म पदार्थों की ओर ही हमारा चित्त दौड़ता रहे तो कभी शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। आपसे हम प्रश्न करें, एक मृग कितने वर्ष तक मृग तृष्णा के जल में भटके जो उसको पानी मिल जाएगा, चाहे जीवन भर भटकता रहे कभी मिलने वाला है नहीं। जो वस्तु जहां नहीं है वहां मिलने की कोई आकांक्षा चाहना करने से भी मिलने वाली नहीं, प्रार्थना करो या चाहे प्रयास करो दोनों से मिलेंगे नहीं, तो सच्चा सुख कहाँ है? बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस सुख की हमारी आपकी चाहत है, हम आप सब हम ऐसा सुख चाहते हैं कि सुबह भी मिले शाम को भी मिले, हम ऐसा सुख चाहते हैं रात्रि में भी मिले दिन में भी मिले, हम ऐसा सुख चाहते हैं कि हमारे साथ में रहने वालों से भी मिले पड़ोसी से भी मिले, हम ऐसा सुख चाहते हैं कि ऋषिकेश में रहें तो मिले, दिल्ली चले जाएं तो मिले, बंबई चले जाएं तो मिले, मतलब हम हर देश में सुख चाहते हैं, हर काल में सुख चाहते हैं, प्रातःकाल सायंकाल रात्रि काल हर काल में सुख चाहते हैं और हर वस्तु से सुख चाहते हैं। ऐसा सुख केवल परमात्मा है, हमारी आप सबकी चाहत परमात्मा की है, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो ऋषिकेश में भी है, दिल्ली बंबई कलकत्ता सब जगह है, परमात्मा ही ऐसा है जो सुबह भी है सायंकाल भी है निशाकाल में भी है, तो हम सब की चाहत परमात्मा है। वह परमात्मा हमको कैसे मिले, उधर हमारी चित्तवृत्ति कैसे लगे, इसलिए हमारे ऋषियों ने दृष्टांत के माध्यम से दर्शन को समझाने का प्रयास किया है। प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में हम सब सुन रहे थे कि एक सुरुचि नाम की अप्सरा वह हिमालय के उत्तंग शिखर पर खड़ी थी, उसने एक देवदूत को जाते हुए देखा। उस देवदूत को देखकर उसने देवदूत से प्रश्न कर डाला कि आप कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो। उस देवदूत ने सारा परिचय बता दिया कि मैं इंद्र का सेवक हूं। भाई तुम्हारे माइक की कैचिंग ठीक नहीं, इसको बढ़ाओ, खींच रहा है। करे नारायण 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 नारायण, ठीक। उस देवदूत ने सारी घटना बता दी कि मैं इंद्र का सेवक हूं, एक राजा घर द्वार कुल परिवार की ममता का परित्याग करके साधना कर रहे हैं, मैं उनके लेने के लिए गया था और उन्होंने पूछा कि हमको कहां ले चलना चाहते हो, तो हमने कहा स्वर्ग में ले चलना चाहते हैं। स्वर्ग के गुण दोषों की जानकारी के बाद उन्होंने मना कर दिया कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, जिस सुख की कामना के लिए हम संसार के सुख छोड़कर आए थे। विसर्ग करे प्रातःकाल कौन था उसी को भाई भेजो, सेटिंग जिसको आती हो उसको भेजना चाहिए, विष्णु तुम्हारी विशल आ रही, ठीक करो उसको। नारायण 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 नारायण, उस राजा ने स्वर्ग जाने से मना कर दिया। मैं निवेदन करूं आप सबसे, पहले तो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमको चाहिए क्या। अधिकतर हम लोग यात्रा तो प्रारंभ कर देते हैं किंतु पहुंचना कहां है यही पता नहीं होता है, बस चलते चले जा रहे हैं चलते चले जा रहे हैं चलते चले जा रहे हैं। तो साधक के लिए परम आवश्यक है कि हमें लक्ष्य हमारा निर्धारित हो कि हमको चाहिए क्या। जब हमारे लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है उसके आधार पर जब हम जीवन जीते हैं तो सामने वाला यदि कोई सुख सुविधा सम्मान की संपत्ति लेकर के भी यदि हमारे पास आता है और हमें दिखता है कि इससे हमारा लक्ष्य नहीं पूरा होगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। संसार की सुविधाएं हो चाहे स्वर्ग आदि की सुविधाएं हो,
यदि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी बने तो स्वीकार किया जाए, और यदि लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी नहीं बनते तो स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित है कि हमको दृढ़ संकल्पी बनना चाहिए। मैं आप सबसे एक निवेदन और कर दूं, शास्त्रीय दर्शन के आधार पर ये जो आप संसार देख रहे हो, सारा का सारा संसार, ये संसार एक संकल्प का ही चमत्कार है। संकल्प का चमत्कार कैसे है? उपनिषद में वर्णन है, उस परमात्मा ने संकल्प किया कि एक से हम बहुत हो जाएं, एको हम बहुश्यामी प्रजाए। तो उस संकल्प के कारण यह परमात्मा एक, परमात्मा अनेक के रूप में हो गया। उस परमात्मा के ही यदि अंश हम हैं तो हमारे संकल्प में भी चमत्कार है। केवल परमात्मा के संकल्प में ही चमत्कार नहीं है, हमारे आपके भी संकल्प में चमत्कार है, किंतु वहां आपके जीवन में संकल्प की विधा मालूम हो। जिसके जितने कम संकल्प होंगे वो जल्दी पूरे होंगे। अब एक दिन में आप 500 संकल्प कर डालो, हर क्षण आज ये फिरिए फिरिए फिरिए, तो कौन संकल्प पूरा होगा? जिसके जितने कम संकल्प होंगे वो पूरे होंगे। जिसको महाराज ऐसे सुख की कामना थी, देखिए उसके पास यदि देवदूत आया, नारायण पैलेस को सेट करो भाई, नारायण 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 नारायण, देवदूत सब जब सामने आकर के उस राजा के प्रकट हुआ और उसने अपने सुख, संसार के सुख की और स्वर्ग के सुख की दोनों की बातें बताई, तो स्वर्ग में जो सुख है उसके पीछे एक पतन का दुख भी है। यह तो संसार का शाश्वत नियम है सृष्टि का, जो मिला है वो बिछुड़ेगा, तो स्वर्ग यदि मिला है तो छूटेगा भी, और वहां भी रागत द्वेष की चर्चा है। इस रागत द्वेष की चर्चा सुनकर के उस राजा ने कह दिया कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए और अब हम इस शरीर को भी रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस शरीर से केवल संसार के सुख या स्वर्ग के सुख ही मिल सकते हैं, तो अब हमको ये दोनों प्रकार के सुख नहीं चाहिए। जब वह राजा व्यथित हुआ तो देवदूत ने मिथा जब इंद्र को बताई, इंद्र ने समझ लिया कि ये व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। आप लोग समझ गए होंगे, उस परम सुख का अधिकारी वही है जो छोटे छोटे सुखों का परित्याग कर सके। देखो हिमालय के यदि उच्च शिखर पर हमें चढ़ना है तो पहली छोटी चोटियों का त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? हम सोचे कि महाराज यहां जो सुख सुविधा सम्मान संपत्ति सब हमको मिली रहे और वो भी सुख हमको मिल जाए तो मिलने वाला नहीं है। राजर्षि परीक्षित यदि चाहते कि हम इतना बड़ा राज्य भी न छोड़ें, घर में भी बने रहें और हमको ब्रह्म विद्या मिल जाए तो मिलने वाली नहीं थी, उनको भी त्यागना ही पड़ा, अंतकरण से त्याग करके नारायण निकलना ही पड़ा। तो जब हमारे जीवन की योग्यता वैराग्य जीवन में इकट्ठा होता है तो निश्चित रूप से जो लोग संसार में, हमने कई बार देखा है, हमारे साधन पथ के विरोधी होते हैं। जब हम प्रारंभ करते हैं साधना, तो जो लोग हमारे साधन पथ के विरोधी होते हैं, जब उनको भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस मार्ग पर जा रहा है और उससे हमारी कोई हानि नहीं है, तो वही सहयोगी बन जाते हैं। अपने अंतकरण में किसी के प्रति विरोध का भाव नहीं आना चाहिए। यदि हम लोग अपने अंतकरण में विरोध का भाव उत्पन्न कर लेते हैं तो विरोध के भाव के उत्पन्न करने के कारण जो साधक होने वाले होते हैं वो भी विरोधी हो जाते हैं। अब देखिए, कभी विचार कीजिएगा, ये राजा वैराग्यशाली था, स्वर्ग की संपदा से भी इसका राग नहीं था, किंतु यह देवदूत को डांट कर भी कह सकता था कि तेरे तुच्छ स्वर्ग की हमको क्या कामना है, किंतु उन्होंने उसकी अवहेलना नहीं की, उनको गाली भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, भाई बात यह है, जिसके लिए हमने घर छोड़ा था वो तुम्हारे स्वर्ग में नहीं मिलता तो हम वो लेकर क्या करेंगे?
भाई हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति तुम्हारे यहां नहीं हो रही तो हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, हम तुम्हारे विरोधी नहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के विरोधी हैं। उसमें अनुरोध यदि कोई करेगा, विरोध करेगा, तो हम रुकने वाले नहीं हैं। और इसका पर्याप्त तो यही हुआ कि इंद्र ने महाराज अपने देवदूत को कह दिया कि तुम हमको उस व्यक्ति को ले जाकर के महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की यहां छोड़ दो। और जब वह राजा वाल्मीकि जी के यहां पहुंचा तो वाल्मीकि जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि एक तो इंद्र के द्वारा भी यह भेजा गया था और दूसरी इसकी विशेषता, स्वयं में एक विशेषता यह है कि इसके चित्त में वैराग्य है। हमने देखा है पहले कि महात्मा लोग ऐसे नहीं, आजकल तो एक अलग ढंग चल गया है। साधक का पहले परीक्षण करते थे कि ये साधक जाना कहां चाहता है, और परीक्षण करने के बाद ही उनको ज्ञानोपदेश दिया जाता था। तो यदि परीक्षण के बाद ज्ञानोपदेश दिया जाएगा तो वह विद्या उनके जीवन में फलीभूत हो जाएगी। वैसे चतुर किसान तो पहले देख लेता है कि बीज का वपन जहां हम करना चाहते हैं उस भूमि से हमको फसल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे चतुर गुरुजन भी देख लेते हैं कि जिस विद्या का हम वपन करना चाहते हैं, जिस विद्या को हम बोना चाहते हैं, ये विद्या यहां फलीभूत होगी कि नहीं होगी। तो अधिकार होता था, हमने कई बार देखा कैलाश आश्रम ऋषिकेश में, कई लोग यहां जो सत्संगी उनको पता है वहां पहले, अभी तक पता नहीं है, पहले वहां निवास केवल लाल वस्त्र वालों को देते थे, पढ़ना जिनको हो तो लाल वस्त्र यदि मिल जाए तो वो वहां रहकर विद्यार्थी बनकर पढ़ सकता है, ब्रह्म विद्या सीख सकता है। तो संयोग ये होता था वहां देते थे केवल शिवरात्रि में थे, शिवरात्रि में देते थे। बीच में यदि कोई साल भर के अंतराल में कोई यदि विद्यार्थी आ जाए और वह पढ़ना चाहता हो तो लाल वस्त्र मिलता नहीं था। वहां के मंडलेश्वर हमारे स्वामी जी के पास भेज दे, दंडी स्वामी के पास, कि इनको लाल वस्त्र दे दो। तो स्वामी जी के पास जब कोई बालक आए और कहे महाराज जी हमको मंडलेश्वर जी ने भेजा है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ची, लाल वस्त्र लेंगे और वहां रहकर पढ़ेंगे, स्वामी जी कहते अच्छा दूंगा, और सुबह से शाम तक उसको काम में लगा देते थे। और कई बार तो मैंने देखा कि उसको भोजन को भी नहीं पूछा कि तूने रोटी खाई है कि नहीं खाई। एक दो दिन के बाद वो रफू चक्कर, लाल वस्त्र लेने का भी समय नहीं रहा। तो मैं स्वामी जी से कई बार कहता था कि देखो ये लाल वस्त्र लेने आए और आपने दिया नहीं इनको, तो स्वामी जी हंस करके बोलते थे ब्रह्म विद्या इतनी सस्ती है क्या कि जो आए उसको दे दो। अरे लाल वस्त्र अगर इसके जीवन में वैराग्य नहीं होगा, गुरुजनों के प्रति आदर भाव नहीं होगा तो ब्रह्म विद्या इसके जीवन में फलीभूत होने वाली नहीं है। इस ब्रह्म विद्या को भी ये व्यापार में ही प्रयोग करेगा, प्रवचन आदि करके व्यापार में ही लगाएगा। तो ब्रह्म विद्या हमारे जीवन में सुख देने वाली बने, मोक्ष देने वाली बने, इसके लिए पहले गुरुजन महाराज परीक्षण करते थे। तो हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज के पास में जब ये राजा गया, इसने महाराज प्रार्थना की भगवन धर्म तत्वज्ञ ज्ञात गेय चिदाम्बर, हे भगवन आप धर्म तत्व को जानने वाले हो, धर्मज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, और ज्ञाता ज्ञान गे, ये त्रिपुटी के भी आप जानकार हैं, ज्ञाता ज्ञान गे इस त्रिपुटी के भी जानकार हैं आप, चिद स्वरूप है, आज आपके दर्शन पाकर के हम धन्य हो गए, तदेव कुशलम मम, आज हम सचमुच में कुशल बन गए हैं। भगवन श्रोतमिच्छामि तद विघ्नेन मे वद, संसार बंध दुखार्ते कथम मुंचामि तद वद। ए महात्मन, ए भगवन, आपके चरणों में मैं श्रद्धा संपन्न होकर आया हूँ और संसार के बंधन से, दुख से दुखी होकर आया हूँ, आप कृपा करके बताइए कि मैं इससे कैसे छूटूं, क्योंकि ये संसार के जो बंधन है ना, आप लोग थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। अगर दूसरे बंधन हो, जैसे रस्सी से कोई बंधा हो तो आप रस्सी को काट दो, जला दो, खोल दो,
किंतु ये जो संसार का बंधन ऐसा बंधन है कि हम सब बंधे तो हैं किंतु रस्सी नहीं दिखती है, बड़ी विडंबना है। बंधे हैं किंतु रस्सी नहीं दिखती, कई किसी का खूंटा गड़ा हुआ है बंबई में, भले वो ऋषिकेश तक आ जाता है चरने के लिए, किंतु जहां महाराज खूंटा गड़ा है घूम करके पहुंचता वही है, वो घूम करके वही पहुंचता। हमारे वृंदावन के एक महात्मा है, बड़े विनोदी हैं, पूज्य स्वामी श्री गुरुशरणानी महाराज, तो कई बार एक दृष्टांत सुनाते हैं संसार बंधन का, ये कैसा संसार का बंधन का महाराज खेल है। वो कहते जब मैं काशी में पढ़ता था तो एक दिन छुट्टी का समय था, तो अस्सी घाट के समीप से निकल रहा था तो देखा क्या एक धोबी बड़ा बेचारा दुखी बैठा है, म्लान बैठा है, हाथ से गधे को पकड़ा है। मैंने जाकर पूछा भाई साहब दुखी क्यों? बोले क्या बताएं महाराज जी, बड़ी गड़बड़ी हो गई। बोले क्या गड़बड़ी हो गई? बोले रोज मैं गधा भी लेकर आता था और रस्सी भी लेकर के आता था कपड़े धोने के लिए, तो रस्सी में बांध देता था गधे को, खूंटे से बांध देता था, कपड़े धोता रहता था, कपड़े बाद में सूख जाते थे, समेट कर गधे पर रख कर चले जाते थे, आज रस्सी लाना भूल गए। तो महात्मा हंस करके बोले अरे बाबरे, एक गधा तो गधा ही ठहरा, इसको क्या महाराज बताना है कैसे, इसको झूठ मूठ के बांध दो। कहा झूठ मूठ के बांधने, कैसे झूठ मूठ के बांधने? बोले जैसे रोज बांधते थे, खूंटे के पास ले गए, ऐसे हाथ घुमाया और हाथ घुमाकर जैसे महाराज गांठ लगाते थे लगा दिया, और लगाने के बाद वो देख आया कपड़े धोने, देखता था भाग तो नहीं गया, किंतु गधा उतने स्थान पर चढ़ता रहा जितने स्थान पर पहले चढ़ता था, सायंकाल तक गया नहीं भाग करके इधर उधर कहीं भी। जब धोबी ने कपड़े धो लिए और धोने के बाद सुखा कर पोटली में बांध कर गधे पर रखा और गधे को मारे तो गधा चले ही नहीं, तो धोबी बड़ा दुखी। धोबी ने कहा गजब, ये बाबा जी कोई मंत्र जानता था, मेरा तो गधा चौपट हो गया, अब ये गधा चल ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। इतने वो महाराज जी कहते मैं पहुंच गया, तो बड़ा नाराज हुआ, बाबा तूने तो गधा ही चौपट कर दिया, चलता ही नहीं है। बोले कैसे नहीं चलता, गांठ खोली कि नहीं खोली? बोले बांधा हो तब तो खोले, कोई रस्सी नहीं तो क्या खोलना है? बोले जैसे झूठ मूठ के बांधा था वैसे झूठ मूठ के खोलना, और जो महाराज झूठ मूठ के खोला तो गधा भागा। आप लोग समझ गए होंगे, अब इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। ये सारे जितने भी बंधन हैं, आप जरा सोचो एक भी कोई बंधन हो सकता है क्या? ना तो शरीर के साथ संबंध का कोई बंधन हो सकता है, ये जितने भी संबंध शरीर के साथ भी नहीं हो सकते। ये जितने संसार के बंधन है सबका नाम हम नहीं लेंगे, आप लोग सब समझदार हैं, सत्संगी हैं, एक भी बंधन ऐसा नहीं जो शरीर के साथ हो सके, और आत्मा के साथ तो बंधन होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि बात यह है, आत्मा और शरीर के साथ भी बंधन नहीं हो सकता, जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ी नहीं सकती है, दोनों एक साथ जुड़ नहीं सकते हैं। ये सारे के सारे संबंध नारायणी संबंधों का बंधन वैसे ही है जैसे उस गधे का बंधन था। अब हम लोग अगर उस बंधन में बंधे हैं तो किस नाम रूप वाले, अब हम नहीं कहेंगे, अपने आप समझ जाइएगा। अब हम काहे को किसी को कुछ कहें, आप लोग अपने आप समझ जाइएगा। तो ये महाराज राजन कहते हैं कि संसार बंध दुखार्थे, और सच में दुख का कारण यदि आप देखा जाए तो बंधन ही है, चाहे शरीर के साथ बंधन हो, चाहे संबंधियों के साथ बंधन हो, चाहे घर के साथ बंधन हो, चाहे जहां भी बंधन हो, ये बंधन का ही खेल है सारा का सारा, ये दुख का कारण है। ये कहते कथम मुंचामि तद्वद, हे गुरुदेव हे महात्मन, इससे मैं कैसे छूटूंगा, आप कृपा करके बताइए, हम सुनना चाहते हैं। ये जो वाल्मीकि जी महाराज से प्रश्न किया तो श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं श्रुणु राजन प्रवक्षामि, हे राजन आप श्रवण करो मैं सुनाता हूं। रामायण मखंडितम, ये अखंड जो रामायण है जिसका नाम महारामायण है, इस अखंड रामायण को हम आपको सुनाते हैं। श्रुत्वा, जिसके श्रवण करने मात्र से यत्न से जीवन मुक्तो भविष्यति। वैसे तो नारायण अधिकतर जो कथाएं सुनाई जाती हैं उन कथा सुनाने के बाद उसकी फलश्रुति सुनाई जाती है कि भाई ये कथा सुन लो तो आपको ये फल
मिलेगा, किंतु यहां महारावण अभी सुनाया नहीं वाल्मीकि जी महाराज ने, और केवल प्रारंभ करने वाले हैं। और श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जिसको श्रवण करने से व्यक्ति क्या होगा, यत्न से श्रवण करने से जीवन मुक्तो भविष्यति। और सच में देखो भाई, ध्यान देने वाला लायक बात तो ये है, आनंद तो जीवन मुक्ति का ही है। मरने के बाद हम मुक्त होंगे, ये किसने आज तक तो एक भी मुर्दा हमको बता के नहीं गया कि हम मुक्त हो गए। हम कई बार लोगों को विनोद करते हैं कि 500 से ज्यादा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर चुका ये शरीर, रात दिन इसी के चिंतन में रहता है, जाने कितने महाराज परीक्षितों को कथा सुनाई। और ठाकुर जी से कई परीक्षित तो ऐसे मिले हमको कि जिस दिन कथा पूरी हुई उसी दिन शरीर पूरा हो गया। कई परीक्षित ऐसे मिले कि जिस दिन वो आरती करके घर पहुंचे और शरीर पूरा हो गया। दो चार परीक्षित ऐसे हमारे जीवन में मिले, किंतु जाने के बाद उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आपने कथा सुनाई थी मैं मुक्त हो गया हूं या मैं वहां जा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मुक्ति का जो आनंद है सच में वह जीवन मुक्त का ही आनंद है। जीवन मुक्ति का आनंद, जीवन जीते हुए हम मुक्ति में गुजारे, अपना समय आनंद में गुजारे, उसी का महत्व तो हमारे जीवन में है। कहते हैं महाराज, ये वशिष्ठ जी और श्री राम जी महाराज का जो संवाद है, ये महारामायण वशिष्ठ जी और राम जी महाराज के संवाद से ही चालू है। मोक्षोपकाय कथाम शुभाम, या महाराज मोक्ष की अद्भुत कथा है। बदामि श्रूयताम बुध, हे राजन आप ज्ञान स्वभाव वाले हो, ज्ञान को चाहने वाले हो, इसलिए आप ये सावधान होकर कथा सुनो। श्री राघवेंद्र सरकार को श्री राम जी को एक बार मोह हो गया, और जब श्री राम जी महाराज को मोह हो गया तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उनको उपदेश दिया है। ये बात महाराज जो हुई तो तुरंत राजा ने प्रश्न कर दिया, उन्होंने को राम की दृशा कस्य बद्धो वा मुक्त एव वा, वह राम कौन है? जिन राम को श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उपदेश दिया वह राम बद्ध थे या मुक्त थे? अगर वह परमात्मा थे तो उनके बंधन का कारण कोई हो सकता है नहीं, और वह जीव थे तो कौन थे? एतन में निश्चितम ब्रूही, ज्ञानम तत्व विदाम्बर, तत्व के जानने वाले प्रभो आप इस बात को हमको बताओ, हम सुनना चाहते हैं वह कौन राम थे। कोई संसार में तो राम नाम के लोग कई उत्पन्न हुए हैं, आज भी कितने लोगों का नाम राम होता है, तो कोई सामान्य राम था कि कोई दूसरा था? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं साप व्याज, श्राप के व्याज के कारण ही वह परमात्मा ही राज वेश धरो हरि, राजा का वेश धारण करके वह हरि ही दशरथ जी महाराज के यहां जन्म लेकर आए थे। तो महाराज वहां परमात्मा ही यदि दशरथ जी के यहां रूप लेकर के आए थे, राम रूप धारण करके, तो वह तो स्वयं नित्य मुक्त बुद्ध स्वरूप है, उनको कौन बंधन हो सकता है? और राम के जीवन में किसने ऐसा श्राप दे दिया? राम को श्राप देने वाला कौन है? हरि को श्राप देने वाला कौन है? जिनके कारण महाराज उनके जीवन में अल्पज्ञता आ गई, जिनके कारण उनके जीवन में मोह आ गया, राजा ने यही प्रश्न कर दिया। चिदानंद स्वरूपे ही रामे चैतन्य विग्रहे श्रापस्य कारणम ब्रूहि, कह सकता चेति में बद, किसने उनको श्राप दिया? श्राप देने वाला कौन है? कृपा करके आप हमको बताइए, हम सुनना चाहते हैं। वैसे मैं निवेदन करूं, परमात्मा के जो संकल्प को साकार कर दे उसी का नाम महात्मा है। मैं कई बार एक वाक्य बोलता हूं, पिता के संकल्प को जो साकार करे उसका नाम सतपुत्र है, और परमात्मा के संकल्प को जो साकार करे उसी का नाम संत है। संत लोग अपना कुछ काम नहीं करते हैं, ठाकुर जी की जैसी लीला चाहते हैं वो, जो लीला करना चाहते उस लीला के निमित्त बन जाते हैं। ठाकुर जी को जो लीला करने का मन होता है उस लीला के निमित्त बन जाते हैं। तो वाल्मीकि जी महाराज यहां सुनाते हैं कि एक बार बहुत सब बड़ी सभा लगी थी ब्रह्मलोक में, सनत कुमार
निष्काम महात्मा वहां विराजमान थे, ये ब्रह्मवादी सनक समंदन सनातन सनत कुमार, ये हैं तुम्हारा पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, किंतु रहते केवल 5 वर्ष की अवस्था में है। 5 वर्ष की अवस्था में रहते सत्संग इनका जीवन है, कथा मात्र के जीवन इनका। ये वहां विराजमान थे, सब देवता गण आदि भी थे, सनत कुमार आदि विराजमान थे, हमारे हरि सबसे लास्ट में आए। जब हरि का आगमन हुआ तो हरि को देखकर ब्रह्मादि सभी महाराज खड़े हो गए, और जब ब्रह्मादि खड़े हो गए तो सनकादियों को लगा कि हमको खड़े होने की क्या जरूरत है, हम तो पूर्ण काम है, आत्मा राम है, हमारे से अतिरिक्त जगत की कोई सत्ता है नहीं है। तो महाराज वो खड़े नहीं हुए तो हमारे श्री हरि ने सनकादियों को शाप दे दिया कि तुम कार्तिकेय नाम के रूप में विख्यात हो और तुम्हारा जीवन कामासक्त हो, कार्तिकेय नाम से विख्यात हो करके तुम्हारा जीवन कामासक्त हो। ये बात महाराज सुनते ही हमारे सनकादियों ने कहा कि आपने ठीक हमको श्राप नहीं दिया है, और ये सनकादियों ने भगवान को श्राप दे दिया, तेनापि शापितो विष्णु सर्वज्ञं त्वयास्ति यत्, बोले आप सर्वज्ञ हो मैं जानता हूं, किंतु यदि आपने हमको ऐसा श्राप दिया है तो हम भी आपको देते हैं श्राप, तुम अज्ञानी भविष्यति, आप मनुष्य लोक में जाओ, और मनुष्य लोक में जा किंचित कालम ही, किंचित काल के लिए आपका चित्त मोह से ग्रसित हो और अज्ञानी के रूप में आप प्रकट हो। ये हमारे सनकादियों ने महाराज दे दिया था श्राप, इसके कारण महाराज इनको राम को मोह हो गया था। और दूसरा कारण, जैसे रामचरितमानस में आप सुनते हैं, वाल्मीकि रामायण में भी अन्य प्रकार से विधा अपनाई गई, रामचरितमानस में बालकांड में राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के कई हेतुओं का वहां वर्णन किया गया, ऐसे यहां भी कई हेतुओं का वर्णन कर दिया। ऐसे ऐसे हेतुओं का वर्णन है कि हमने अन्य पुराणों में नहीं पढ़े, ये हेतु जो यहां दिए गए हैं विलक्षण हेतु हैं। एक हेतु तो सनकादियों का हो गया, और दूसरा हेतु बताया कि एक बार भृगु की भार्या को महाराज भगवान विष्णु ने मार दिया, और भृगु की भार्या को मारा तो महाराज भृगु जी बहुत दुखित हुए, और क्रोध में आकर के महाराज उन्होंने शाप दे दिया, विष्णु तवा भार्याया वियोगो में भविष्यति, आपको भी भार्या का वियोग हो, ये हम आपको शाप देते हैं। तो एक कारण श्री भृगु जी महाराज का भी बना शाप का, जिसके कारण परमात्मा का नरावतार हुआ और वह मोह से ग्रसित हुए। और एक अवतार महाराज इन्होंने बताया है, वृंदा शापितो विष्णु चरम यत्त्वया कृतम, एक श्राप तो वृंदा ने दिया था, इसका विस्तार से वर्णन कई पुराणों में है, यहां तो केवल एक श्लोक में एक बात बता दी गई है, ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किया गया। विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन है, और अपने शिव पुराण में तो बहुत विस्तार से वर्णन है, जलंधर की कथा बहुत विस्तार से वर्णन की गई है कि जलंधर कौन है, यह तो भगवान का नाम शंकर का ही अंश, किंतु इतना बलशाली ये बन गया, इतना बलशाली बन गया था कि सब जगह इसका आधिपत्य हो गया था। तो नारद जी महाराज ने जाकर जलंधर को कह दिया कि दुनिया के जितने रत्न हैं सारे रत्न तुम्हारे पास में हैं, एक रत्न को छोड़ करके, सारे रत्न तुम्हारे पास में, एक रत्न को छोड़कर कौन सा रत्न ही, बोले जाया रत्न तुम्हारे पास नहीं है। तो कहा जाया रत्न कौन है, तो बताया कि समय भगवती ही जाया रत्न है, सुंदरता मर्जाद भवानी, हमारी मां जितनी सुंदर है भगवती, संसार में उतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं है। तो कहा उसको भी तुम अपने पास में ले लो तो हम जाने। नारद जी तो आग लगाकर चले गए, और जलंधर ने भगवान शंकर के पास सूचना भेज दी, और शंकर के पास सूचना भेज दी, जलंधर ने महाराज बाद में युद्ध भी किया, जब भगवान शंकर ने पार्वती मैया को नहीं दिया तो युद्ध में वो मरता नहीं था, जलंधर युद्ध में जब वह मरता नहीं था तो संयोग ये बना, भगवती ने नारायण का स्मरण किया विष्णु का, और कहा कि मुझे पता है ऐसे तो मरेगा नहीं,
क्योंकि जब तक इसकी पत्नी वृंदा जो सती बनी रहेगी तब तक ये नष्ट होने वाला नहीं। इसलिए कल आज प्रातःकाल की वेला में मैंने निवेदन किया था, किसी क्रिया का नाम धर्म नहीं है, क्रिया के उद्देश्य का नाम धर्म है। नहीं तो इन पुराणों को यदि आप पढ़ोगे तो दिग्भ्रांत हो जाओगे कि नारायण भी ये काम करते हैं तो दूसरा सामान्य व्यक्ति करे तो कैसे बनेगा। तो विष्णु भगवान को जब ये बात कही तो हमारे नारायण प्रभु महाराज ये गए और जाकर के इन्होंने एक साधु का वेश बनाया और बगीचे में बैठ गए, और साधु का वेश बनाकर बगीचे में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद महाराज हुआ देवी वृंदा उद्यान में अपने बड़े गंभीर होकर, जो युद्ध चल रहा था उधर, बड़ी डरी हुई थी। इतने में साधु ने क्या महाराज एक माया की, माया ये की कि जलंधर का हाथ कट के गिरा, फिर पैर कट के गिरा, वहां वृंदा घबरा गई और वृंदा इनके पास में आ गई, बाबा जी के पास रोती हुई कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो बाबा जी ने कहा चा रुको। उन्होंने महाराज तुरंत दो बंदरों को बुलाया और बंदरों को बुलाकर कहा वहां का समाचार लाओ। तो कहा वहां तो युद्ध चल रहा है, इतने में आकर के महाराज उसका शरीर गिरा पूरा का पूरा, वह रोने लगी। तो कहा इसको जीवित करो, तो साधु जी ने जीवित कर दिया और जीवित करने के बाद महाराज उसके साथ में वृंदा जी के साथ में रहे। उसको लगा कि कुछ फर्क तो लगा कि कोई दूसरा है, और बाद में जब सूचना मिली तो पता चला कि नारायण ने ही हमारे सतीत्व को भंग किया। तो वह देवी नाराज होकर वृंदा श्राप देती है कि तुम बाबा जी का रूप धारण करके आए थे हरि, तो एक महात्मा का रूप धारण करके ही तुम्हारी पत्नी का कोई हरण करेगा, और बंदरों को तुमने सहयोगी बनाया था तो बंदर तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। महाराज जी अपने शिव पुराण में बड़े विस्तार से, मैं तो बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं, और तुमने जो हमारे जीवन में गड़बड़ी की है तो नारी का विरह होगा और तुम्हारी बुद्धि भी मोहग्रसित हो जाएगी। तो वृंदा के श्राप के कारण, वृंदा श्रापितो विष्णु छलम छल के कारण महाराज ये श्राप दिया गया था, तो कहा इसके कारण भी भगवान राम बन करके वही हरि आए और मोहग्रसित हुए। महाराज इन्होंने जो दूसरा कारण और दिया है, एक कारण तो बड़ा महाराज विलक्षण है, ये तो कई बार हमारे अनजान में हमारे द्वारा जो अपराध बन जाते हैं उसमें घटना घटाई गई है। एक देवदत्त नामक ब्राह्मण था और इसकी पत्नी गर्भवती थी। संयोग से जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने महाराज गर्जना की, नृसिंह भगवान ने, तो गर्जना की, उस गर्जना की ध्वनि को सुन करके उसकी गर्भवती पत्नी मर गई देवदत्त की। और जब गर्भवती पत्नी मर गई तो देवदत्त ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था, उसने महाराज नृसिंह भगवान को शाप दे दिया कि हमारी गर्भवती पत्नी को हमसे जुदा कर दिया तूने, हमसे अलग कर दिया, उसको मार दिया, तो तेरे को भी मनुष्य बनना पड़ेगा और तू मनुष्य बनकर आएगा। जब तेरी पत्नी गर्भवती होगी तो मैं तेरे को श्राप ये तो नहीं देता हूं कि वो मर जाएगी, किंतु तेरे को अलग रहना पड़ेगा उससे, उसके विरह जन्य दुख को तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस कारण से भी महाराज उनको आना पड़ा बन करके, मनुष्य बन करके आना पड़ा। तो जब ये मनुष्य बन करके आए राजा अधिराज श्री दशरथ जी महाराज के यहां, वाल्मीकि जी महाराज ये कथा उनको सुना रहे हैं, कहा बनकर के आए तो बड़ा उत्सव मनाया। दिवी भूमौ तथा कासे बहिरंतश्च मे विभु, वह परमात्मा जब प्रकट हुआ तो सब जगह आकाश में सब जगह आनंद मनाया गया है, मंगल ध्वनि महाराज गाई गई है। यहाँ इन्होंने मंगलाचरण भी किया है, हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज यहाँ से मानो मंगलाचरण एक प्रारंभ करते हैं। शास्त्र की विधा ये भी है, मंगलाचरण आदि में भी करते हैं, मध्य में भी करते हैं और अंत में भी करते हैं। आदि मध्य अंत तीनों जगह मंगलाचरण किया जाता है, तो मानो ये मध्य का मंगलाचरण यहाँ प्रारंभ कर, बीच बीच में भी मंगलाचरण करेंगे। तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं दिव्य लोक में, भूमि लोक में, यहाँ वृषातल में और बाहर अंतर जहां भी विभु व्यापक परमात्मा है, सर्वात्म जो परमात्मा है, सब जगह कणकण में जो व्याप्त परमात्मा है, उस परमात्मा के चरणों में हम बारम्बार वंदन करते हैं।
तस्मै सर्वात्मने नमः। एक श्लोक में ही मंगलाचरण करने के बाद श्री वाल्मीकि जी महाराज ने यहां सुनाना प्रारंभ कर दिया है कि व्यक्ति के जीवन में जो शोक का आगमन होता है वो कितना दुख देता है। तरति शोकम आत्मभित, आत्मभित ही व्यक्ति शोक से पार हो पाता है, दूसरा कोई शोक से पार हो पाता नहीं है। दुनिया में जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों का निराकरण एकमात्र आत्मविद्या से, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से ही है। ये अपने योग वशिष्ठ का जो सिद्धांत है, एकमात्र से ही महाराज उससे होगा। और इस संसार में जितनी भी चीजें आपको मिली हैं, चाहे व्यक्ति मिला हो, चाहे स्थान मिला हो, चाहे वस्तु मिली हो, संसार को तीन भागों में आप विभक्त कर लीजिए, व्यक्ति के रूप में, स्थान के रूप में और वस्तु के रूप में। तो व्यक्ति मिले हैं वो भी छूटेंगे, स्थान मिला है वो भी छूटेगा, और जो वस्तु मिली है वो भी छूटेगी। सारा का सारा संसार इसी प्रकार का है। और हम लोगों को मन है कि महाराज हमसे कुछ भी न छूटे, हमारे से न व्यक्ति छूटे, न हमारे से वस्तु जुदा हो, और न ही स्थान हमसे छूटे। अब जो सहज छूटने वाली चीजें हैं, यदि हम उसको पकड़ कर रखना चाहेंगे तो दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अशांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से हमारे जीवन में अशांति मिलने वाली ही है। इस बात को महाराज उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है कि एक बार भरद्वाज जी महाराज ने ब्रह्मा जी महाराज से ही प्रश्न किया था कि आप कृपा करके बताओ। तो ब्रह्मा जी महाराज ने उनको कहा, भरद्वाज जी को, कि तुम वाल्मीकि जी महाराज के पास जाओ, क्योंकि इस प्रकार से कैसे हमारे जीवन में शोक से हम पार हों। तो वाल्मीकि जी महाराज के पास जाकर के भरद्वाज ने भी इसी प्रकार के प्रश्न किए थे, जिस प्रकार के प्रश्न तुमने किए हैं, उन्हीं प्रश्नों का जो महाराज उत्तर उन्होंने दिया है हम आपको सुनाना चाहते हैं। और ये करके हमारे वाल्मीकि जी महाराज ने यहाँ सुनाना प्रारंभ किया कि आप कृपा करके, इत्युक्तम भगवता यथा रामायणम कुरु सर्वलोक हितार्थाय संसारणवतारणम, संसार से पार करने के लिए जो नौका है ऐसी रामायण का आपने सृजन किया है, वो रामायण हमको सुनाइए। वैसे मैंने प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में एक बात निवेदन की थी, वाल्मीकि जी महाराज की ये रचना है जो आप लोग सुन रहे हैं योग वशिष्ठ, ये श्री वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा ही रचित ग्रंथ है। वैसे तो कई ग्रंथों, कई हमारे ग्रंथकारों का अलग अलग मानना भी है कि किस समय पर इसका सृजन हुआ, इसकी भाषा की शैली को देख करके, स्वभाव को देख करके, किंतु जो हम लोगों को परंपरागत मिलता है कि रचना निश्चित रूप से वाल्मीकि जी महाराज की है। और वैसे उन्होंने रचना पहले वाल्मीकि रामायण की थी, और वाल्मीकि रामायण की रचना के बाद ये रचना हुई है। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है जीवन जीने के, कैसे व्यवहार में जीवन जिया जाए, व्यवहारिक जीवन को उन्होंने दर्शाया है। और ये योग वशिष्ठ में आध्यात्मिक जीवन को दर्शाया गया है। आध्यात्मिक जीवन जो हम आप सब जी रहे हैं अभी, इस आध्यात्मिक जीवन को कैसे रसीला बनाया जाए और कैसे इसमें महाराज रमण किया जाए, ये कहते हैं, मह्यम च भगवन ब्रूहि कथम संसार संकटे रामो व्यवहतो यस्मिन भरतस्य महात्मनः शत्रुघ्नो लक्ष्मणश्चापि सीता चापि यशस्विनी रामानुयानिते वा मंत्रिपुत्रा महाधिपाः। महाराज इनके बारे में हम सुनना चाहते हैं, निर्दुखरताम एव, मैंने सुना है इनके जीवन में भी दुख का प्रारंभ हुआ था, दुख का प्रादुर्भाव हुआ था, आप कृपा करके हमको ये सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। जब महाराज ये भरद्वाज जी ने पूछा तो हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज ने बताना प्रारंभ किया कि श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ है, और राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होने के बाद ये गुरुग्रह में पढ़ने के लिए गए हैं। और आप लोग जानते ही हैं, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो प्रभु पढ़े या अचरज भारी। जिसकी महाराज श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है
वह निश्चित रूप से महाराज पढ़ने के लिए जाए, उसको लगता है कि कारण क्या है, क्यों पढ़ने के लिए गया है, वह केवल लोक शिक्षार्थ के लिए ही। लोक शिक्षार्थ के लिए भगवान शिक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि रक्षो बधाई व न केवलम विभो मर्त्यावतारस्तु ही मर्त शिक्षणम। परमात्मा का अवतार केवल दुष्टों के जलन के लिए नहीं हुआ, मनुष्य के शिक्षार्थ भी हुआ है, या दर्शन दर्शाने के लिए। और गुरुकुल में जाकर के उन्होंने महाराज विद्या का अध्ययन किया, और विद्या अध्ययन करके जब वो आए अवध में, तो राघवेंद्र सरकार चारों भाइयों के साथ बड़े आनंद में रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, सबके साथ विनोद करते हैं, राजा की गोद में आकर बैठते भी हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं। एक दिन अपने पिताजी के पास में आकर के श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रणाम करके कहा कि पिताजी, हमारा मन है कि हम तीर्थ यात्रा करके आए। जब तीर्थ यात्रा की आज्ञा उन्होंने मांगी, तो राजा अधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा अकेले नहीं दी, मंत्री पुत्रों को भेजा, इनके भाइयों को भी साथ में भेजा, और ये तीर्थ यात्रा में निकले। वैसे ये तीर्थ यात्रा में जाने का उद्देश्य राम का कई प्रकार का है। एक तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे तो साधुओं से हमारी मुलाकात होगी, सज्जन पुरुषों से मुलाकात होगी, और संसार में मरे बिना भ्रमण किए हुए व्यक्ति के जीवन में संसार का ज्ञान तो नहीं हो सकता है। पुस्तकीय ज्ञान तो आप पढ़ करके कर सकते हो, किंतु संसार के जो अनुभवजन्य ज्ञान है वह तो व्यक्ति को भ्रमण करना पड़ेगा। और ये तीर्थ यात्रा में जब नारायण निकले हैं श्री राघवेंद्र सरकार, तो यहां सभी तीर्थों का लगभग वर्णन है, कैसे कैसे हिमालय में गए, कहां कहां संतों से मिले, और संतों से मिलकर कैसी कैसी चर्चा की। वैसे तो आजकल कुछ कहने लायक नहीं है। तीर्थ यात्रा में यदि आप सब निकले तो मैं निवेदन करूं, मंदिर मस्जिद ज्यादा मत भटको, वहां तीर्थों में ढूंढो कि कोई साधु है कि नहीं है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद से तीर्थ बनते ही नहीं है। हम पुराणों के आधार पर आपको निवेदन कर दें, तीर्थों का जो श्रदन होता है संतों से होता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी स्वान्तस्तेन गदाव्रतम्। यदि तीर्थ में संत न रहे तो तीर्थ तीर्थ ही नहीं रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर यदि हम आपको कहें तो आप दंग रह जाएंगे। गंगा में यदि संत स्नान न करें तो ये गंगा गंगा नहीं रहेगी, गंगा नाला बन जाएगी। गंगा में जो गंगत्व तो है वो संतों के कारण है। गंगा में जो तारने का सामर्थ्य आता है, क्योंकि तो श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद में गंगा जब आना चाहती है धरा में, तो गंगा मैया ने प्रश्न किया है कि कोपि धारयिता वेगम, हमारे वेग को कौन धारण करेगा, और गोमुख से निकल करके हम गंगा सागर तक जाएंगी तो जाने कितने पापी हमारे में पाप धोएंगे, इन पापों को हम कहां धोएंगे। ये गंगा का प्रश्न है श्रीमद् भागवत महापुराण में। लाखों पापी यदि आकर के हमारे में पाप धोकर जाएंगे तो हम तो गंदी हो जाएंगी, इस पाप का प्रक्षालन हम कहां करेंगे। तो हमारे श्री भगीरथ जी महाराज ने कहा कि जो शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना, जब हमारे श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्मा आकर गंगा में स्नान करेंगे तो गंगा के कलमसों को धो देंगे। तो तीर्थों में जाएं तो आजकल तो तीर्थों में लोग पिकनिक की दृष्टि से ही निकलते हैं, और तीर्थों में जाकर अच्छा तीर्थों में सुविधा के लिए भी न जाए। अब एक महात्मा करे तो मैं तो बहुत देर तक हंसता रहा, बोले लोग निकलते हैं तीर्थ से तो भगवान के लिए नहीं निकलते, पहले ढूंढते अंग्रेजी बाथरूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जरा विचार कीजिए, आप नाराज मत हो जाइए, शरीर को सुविधाएं तो चाहिए, किंतु सुविधा के आश्रित ज्यादा बन जाएंगे तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। सुविधाएं तो मिलेंगी, आजकल तीर्थों में सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, किंतु जो मिलना चाहिए संतों का अभाव होता चला जा रहा है तीर्थों। अभी कथा थी हमारी सुक्ताल में, कथा के पहले एक महात्मा के दर्शनार्थ गए, उन्होंने कहा कि महाराज जी इस तीर्थ का बड़ा दुर्भाग्य है। हमने कहा क्या दुर्भाग्य, बोले इसका विकास नहीं हुआ।
तो मैंने प्रणाम करके हमने कहा ये दुर्भाग्य सदा बना रहे, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, ये दुर्भाग्य सदा बना रहे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा आप क्या बोल रहे हो? हमने कहा सच बोल रहे हैं, जहां ज्यादा सुविधा बढ़ जाएगी याद रखिएगा वहां फिर संत आपको नहीं मिलेंगे, वहां से दूर भागेंगे संत। तो यदि हमको सुविधाएं चाहिए तो फिर तो आपको होटल की तलाश करनी चाहिए, पिकनिक स्पॉट की तलाश करनी चाहिए। और यदि हमको ब्रह्म विद्या चाहिए, हमको तुम्हारे नहीं लगता, हम अपने स्वामी जी को देखते हैं पूजन सारणी महाराज को, तो आप कोई भी दरी नहीं बिछाई जाती, हम तो दंग रह जाते। अभी वही सिस्टम उनका, हम आज से 25-26 साल पहले, ज्यादा हो गए 31 साल लगभग हो गया चरणों में आए, जब से हमने देखा था कोई परिवर्तन नहीं है, न कोई रहनी में परिवर्तन, न सत्संग की दिशा में परिवर्तन, किसी विषय विषय में परिवर्तन है ही नहीं उनके बिल्कुल। और मैं आपको और क्या बताऊं, शरीर में भी परिवर्तन नहीं है ज्यादा। हम जैसे पहले देखते थे आज उनको देखते थोड़ा बहुत बड़े असर पड़ा हो। तो मैं निवेदन कर रहा था सुविधाएं यदि हम ढूंढेंगे, अब एसी में बैठ करके कोई ब्रह्म विद्या का सत्संग करना चाहे, एसी में जो ब्रह्म विद्या का सत्संग होगा उसी एसी व ढंग का ही तो होगा, और क्या हो सकता है। जब तक शरीर को कोई तप न हो, तो तीर्थ यात्रा में श्री राघवेंद्र सरकार हमारे निकले हैं, आज मैं पढ़ रहा था बैठ करके तो देख रहा था, सुविधा लेकर के नहीं निकले हैं कि महाराज ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तीर्थों में संतों की शरण में जाते हैं, जहां जैसे निवास स्थान मिल जाता है वहां निवास स्थान उस वैसे ही सुविधा में हमारे श्री राघवेंद्र सरकार रह लेते हैं। और तीर्थ यात्रा करने के बाद जब हमारे श्री राघवेंद्र सरकार लौट करके महाराज आए अवध में, ऐसा महाराज वर्णन किया वाल्मीकि जी महाराज ने कि जैसे इंद्रपुत्र जयंत का स्वागत होता है स्वर्ग में, भाई वहां का अधिपति का पुत्र राजकुमार है, जैसे उनका स्वागत होता है वैसे ही महाराज इनका स्वागत किया गया। रामः पुष्पांजलिर्वृतैः विकीर्णाः पूर्वाश्विः। और सच में पहले जब कोई तीर्थ यात्रा करके जाता था घर में, तो गांव के लोग सब उसके स्वागत के लिए आते थे, मोहल्ले के लोग भी आते थे। और हमने तुम्हारा सुना है जो बद्रीनाथ जाता था वो तो लौट के आने की आशा ही नहीं होती थी उसकी, अगर वो लौट के आ जाए तो घर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाए कि लौट कर आ गया। और आज तो कोई बात ही नहीं है, चाहे 10 बार हो करके आ जाओ। तो आजकल वो तीर्थों का भी महत्व, हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग जब घर से यहां से लौट के जाते हो तो कोई आरती उतारता है आपकी कि तीर्थ यात्रा करके आयो चलो हम आरती उतार दे, कोई पूछता भी नहीं होगा कि आ गए कि कहां गए कैसे हुआ। पहले अपने दुख सुनाते हैं, पहले अपने दुख सुनाते हैं। तो सचमुच में होना तो ये चाहिए था हमारे जीवन में ध्यान रख ले, क्योंकि अगर हमारे जीवन की उस प्रकार की योग्यता बने जिस उद्देश्य से हम तीर्थ यात्रा में आए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति करके हम जाएं, तो जब ये राम जी महाराज गए हैं रामः पुष्पांजलिर्वृतैः विकीर्णः पूर्वाश्विः, पूर्वासियों ने ये खींच रहा है प्यारे नारायण 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 नारायण, इसकी कैचिंग नहीं है बिल्कुल, जो कैचिंग नहीं है बिल्कुल, ये शोर का है तो अच्छा भाई है, जो स्पीकिंग का ही है शोर का 68 नंबर ही है यही, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो अच्छा माइक में गड़बड़ी नहीं है, आप वहां से सेट करो उसको। सुबह अच्छा चल रहा था नारायण, आपने मशीन नहीं छिड़ी तो यही मशीन छिड़ गई होगी कुछ। नारायण 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 नारायण, दूर नहीं बिल्कुल, पास जैसे करते ना, नारायण नारायण अभी ठीक है, थोड़ा दूर किया तो चारों मुड़ के भी कैचिंग में। नारायण 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 नारायण, मैं निवेदन कर रहा था श्री राघवेंद्र सरकार हमारे जब संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा करके आए, तीर्थ यात्रा करने का एक उद्देश्य तो ये भी था इस प्रकार से हम सब प्रजा के मध्य में पहुंच जाएंगे, तीर्थ यात्रा का बहाना भी रहेगा, भारत के संपूर्ण संतों के दर्शन हो जाएंगे,
संपूर्ण प्रजा के सुख दुख का भी पता चल जाएगा और संपूर्ण प्रजा किस आधार पर जीवन जीती है ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि नारायण बात ये है, व्यक्ति बसे और सोना कसे, स्वर्ण के सौंदर्य को देखकर आप स्वर्ण का निर्धारीकरण नहीं कर सकते कि चमकदार है तो ये सोना है। स्वर्ण जब कसौटी पर कसा जाता है तभी वह खोटा है कि खड़ा है ये पता चलता है। वैसे व्यक्ति को दूर से आप पहचान नहीं सकते हैं कि वेशभूषा देख ली तो ये लाल वस्त्र में है तो साधु ही होगा, ये भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है। या अमुक वेश में होगा तो अमुक होगा, ये भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति के समीप जब हम जाते हैं, उसके साथ रहते हैं, तब उसके स्वभाव आदि का पता चलता है, उसकी रुचि आदि का पता चलता है, उसके विचार आदि का पता चलता है। तो राजा का तो परम कर्तव्य है भी यही कि जिस प्रजा का राजा को पालन करना है उस प्रजा के मध्य में कुछ दिन तक उसको रहना चाहिए। जब वह मध्य में रहेगा तो निश्चित रूप से उसकी रुचियों का पता चलेगा, आज की दृष्टि से देखा जाए तो विकास आदि का भी पता चलेगा कि वहां कौन कौन सी सुविधाएं हैं। अगर वहां गया न हो तो अभी उसका पता नहीं लगा पाएगा, पीड़ा आदि का भी पता नहीं लगा पाएगा। तो लौकिक दृष्टि से श्री राघव की जो यात्रा थी वह यात्रा इस दृष्टि से थी कि आज नहीं तो कल इस राज्य का राज्य हमें संभालना है, राजा बनना है, तो अपनी प्रजा के स्वभाव से भी हम परिचित हो जाएंगे। और तीर्थ ऐसे हैं, इन तीर्थों में आकर हर देश से, हर प्रांत से, हर स्वभाव का व्यक्ति आकर रुकता है, तो वहां जाने से हर व्यक्ति के स्वभाव आदि का भी पता चल जाएगा। और दूसरा कारण ये है कि हमारे सुधीजन संतजन रहते हैं तो संतजनों के साथ रहने का भी अवसर मिल जाएगा, उनके साथ बातचीत करने का भी अवसर मिल जाएगा। राजा बनकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से वह हमको ज्ञान नहीं मिल सकेगा जो सामान्य प्रजा बनकर के जाएंगे। हमने कई बार देखा है, अभी वृंदावन में अनुभव करता हूं, आज से 5 साल पहले किसी बालक की भी कथा हो रही हो, ये शरीर जाता था चुपचाप बैठकर कथा सुनाता था, किंतु आज यदि वहां पहुंच जाए तो कथा में बवंडर ही बन जाते हैं, कथा में बवाल बन जाते हैं जाते ही जाते। क्यों पहुंच जाते? क्योंकि पहले कोई जानता नहीं था, आज जो भी जानेगा तो कहेगा वहां चलो, यहां चलो, वहां चलो, और कथा में जाने ही बंद कर दिया, क्योंकि वहां कथा में जाकर विघ्न बन जाए। तो यदि सामान्य व्यक्ति कहीं भी जाकर के बैठ जाए वो किसी को उपाधि नहीं बनेगा। अगर राम राजा बनकर के साधुओं के समीप जाते और प्रजा के मध्य में जाते तो बहुत प्रकार की समस्याएं खड़ी होती और सच्चाई जान भी नहीं पाते, उसको समझ भी नहीं पाते। इसलिए उनको लगा कि हमको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और वह तीर्थ यात्रा श्री राघव ने हमारे की। और जब वहां से लौट करके आए तो प्रवेश गृहम श्रीमान जयंतो विटपम यथा, जैसे जयंत का स्वागत किया जा रहा हो वैसे किया गया। और श्री राघव हमारे आकर के महाराज सबसे पहले प्रणामश्च पितरम वशिष्ठम भ्राति बांधवान, सबसे पहले देखो राघव से ये भी सीखने लायक है कि कितने लोग क्यों न खड़े हों, यदि हमारे पिताजी वहां खड़े हैं तो सबसे पहले हमको पिता को प्रणाम करना चाहिए। आजकल ये विधाएं लगभग समाज से जाती जा रही हैं। हम कई बार देखते हैं बच्चे दूसरों को तो प्रणाम करते, माता पिता को वर्षों हो गए प्रणाम ही नहीं करते। और श्री राघव आकर सबसे पहले पितरम, सबसे पहले पिताजी को प्रणाम किया और उसके बाद वशिष्ठम, श्री वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किया। और वहां जितने सभासद बैठे थे, वृद्ध बैठे थे, भगवान श्री राघव उनको प्रणाम करते हैं, किसी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, किसी को महाराज मुस्कुराकर सम्मान करते हैं। और तस्मिन गृहे दशरथे, महाराज उसके बाद गृह में जाते हैं और गृह में जाकर के महाराज जो संतों का सत्संग करके आए हैं उसका चिंतन करते रहते हैं। अब धीरे धीरे श्री राघवेंद्र सरकार
महाराज 16 वर्ष की अवस्था वाले हो रहे हैं। अभी हमारे राघव की उम्र हुई 16 वर्ष, 16 वर्ष की उम्र तक इनका अध्ययन भी हो गया और तीर्थ यात्रण भी हो गया। 16 वर्ष वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जब 16 वर्ष के होने लगे वर्तमान रघुद वे अपने महाराज शत्रुघ्न आदि लक्ष्मण आदि के साथ भरत आदि के साथ बातचीत करते हैं और इधर श्री भरत जी महाराज चले गए नानागृह में ननिहाल में वाल्मीकि रामायण के आधार पर और योग वशिष्ठ के आधार पर। हमारे श्री भरत भैया अधिकतर ननिहाल ही में रहते थे, मामा के यहाँ ज्यादा इनका निवास होता था। भरते संस्थते नित्यम माता मा गृह सुखम, ये नित्यम शब्द का प्रयोग कर दिया है, लगभग ये नित्य ही महाराज माता मा के घर में रहते थे, मामा जी के यहाँ नाना जी के यहाँ, वहां इनका पालन पोषण होता था, वहां ये आनंद से रहते थे। और श्री राघवेंद्र सरकार ने धीरे धीरे महाराज अपने सुख सुविधाओं के सारे भोगों का परित्याग करना प्रारंभ कर दिया। श्री राम ने धीरे धीरे बिस्तर छोड़ दिया, भोजन आदि की व्यवस्था भी अल्प आहार लेने लगे, जीवन जीने के जितना भोजन चाहिए उतना ही लेने लगे। काते पुत्र घना चिंता, पिताजी कई बार इनसे पूछते थे जब देखा कि इन्होंने भोजन छोड़ दिया, भूमि में शयन प्रारंभ कर दिया, ज्यादा किसी से बोलने लगे, राम बिल्कुल गंभीर हो गए, कोई कुछ बोलता था तो उसका उत्तर दे दे, और कई बार मन में आए तो उत्तर भी नहीं देते थे। तो कहा, काते पुत्र घना चिंता, तुम्हें क्या चिंता है राम, हमें बताओ क्या कारण है कि तुम दुखी होते रहते हो। श्री राघवेंद्र सरकार हाथ जोड़ करके पिताजी को कहते हैं, हमको कोई चिंता नहीं है, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल मैं आनंद में हूँ, कोई विषाद नहीं है और कोई चिंता की बात भी नहीं है। इस प्रकार से महाराज जी चिंतन में लगे रहते, पिताजी को भी रहती थी चिंता कि राम को पता नहीं क्या हो गया है, किस शोक के कारण, किस पीड़ा के कारण, किस अभाव के कारण, किस उद्विग्नता के कारण चित्त में अशांति हो गई है। ये राजकुमार वैभव में जीने वाला आज वैभव से विरक्त साधी क्यों बन रहा है, किसी से बात नहीं करता, किसी से ज्यादा चर्चा नहीं करता, किसी के बीच में बैठते नहीं है, एकांत में ही बैठे रहते हैं, पद्मासन लगा करके कपोल में हाथ रख लेते हैं और सोच मग्न बन करके जैसे किसी चिंतन में डूबे हों, ऐसे डूबे रहते हैं। पिताजी को चिंता बहुत थी। इसी बीच में हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, इसी बीच में आगमन हो गया श्री विश्वामित्र जी महाराज का। और जब श्री विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ है यहाँ पर, उन्होंने महाराज जब पता चला उन सेवकों के द्वारा कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, तो जनक अपने श्री दशरथ जी महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उनको लेकर के आए अपने भवन में ही, बैठा रहा है सिंहासन पर, साथ में हमारे महात्मा जन भी है, वहां के गणमान्य सब लोग हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज भी साथ में हैं। और जब बैठ गए, बैठने के बाद श्री विश्वामित्र जी महाराज ने अपने आगने का आगमन बताया, किस कारण से हमारा आगमन हुआ है। उन्होंने बताया कि मैं तो वैसे तो क्षत्रिय हूँ, यज्ञ करना हमारा काम है, यज्ञ करना भी काम है, ब्राह्मणों को लेकर यज्ञ हम करते रहते हैं, बहुत सारे यज्ञ किए हैं, किंतु अब जो यज्ञ हम करना चाहते हैं उसमें मैंने एक संकल्प किया है कि क्रोध नहीं करेंगे। इन्होंने एक रसीली बात यहाँ कही है, आपको मैं निवेदन करूँ, ये क्रोध जो हमारे जीवन में है, चाहे किसी भी आराधना में क्रोध हो, चाहे किसी भी साधना में क्रोध हो, हमारे महाराज जी तो कहते थे, गुरुदेव कहते थे, 40 दिन तक जो भजन किया जाता है और उस भजन से जो शरीर में रसोत्पत्ति होती है, भजन करोगे तो अपने आप शरीर में एक रस की उत्पत्ति होती है, आप लोग जो साधन भजन में लगे उनको पता चल जाएगा इसका, रसोत्पत्ति होती है जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के बगैर ही आपको आनंद देती है, जैसे लहरें उठती है ना, वैसे आनंद की तरंगें उठती हैं, कोई कारण नहीं होता है। विषयी संसारियों में तो किसी कारण से लोग सुखी दुखी होते हैं और वहां बिना कारण के ही साधना वाले व्यक्ति के जीवन में आनंद की लहरें उठती हैं,
तो हमारे महर्षि कहते थे वो लहरें जो आनंद की उठना प्रारंभ होती 40 दिन भजन करने के बाद जो रसोत्पत्ति होती है वह एक बार क्रोध करने पर समाप्त हो जाती है। एक बार जब हम क्रोध करते हैं तो सारे के सारे रस को जलाकर दग्ध कर दिया उसने। इसलिए बहुत सजग रहना चाहिए साधक को कि हमारे जीवन में क्रोध का आगमन न हो। और संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई महाराज वस्तु नहीं जिसके कारण आप अपने चित्त को खराब कर दो। सबसे ज्यादा यदि दुनिया में कोई कीमती है तो आपका हृदय है। रक्ष रक्ष कोशा नाम अपि कोशम हृदयम, रक्षा करो रक्षा करो। किसकी रक्षा करे? बोले जो कोशों का कोष आपका खजाना, खजानों का खजाना आपका हृदय है। यस्मिन सुरक्षिते सर्वमेव सुरक्षितम स्यात्, यस्मिन नष्टे सर्वमेव नष्टम स्यात्। बोले रक्षा करो रक्षा करो। कहा किसकी रक्षा करें? जो कोशों का कोष है, खजानों का खजाना है, जो हृदय है, जिसके सुरक्षित रहने पर सर्व सुरक्षित है और जिसके नष्ट हो जाने पर सब नष्ट हो गया। अच्छा आप कभी विचार करो, आपका ये दिल खराब हो गया और दुनिया बनी भी रही तो किसी काम की है क्या? वस्तु चाहे कितनी आए इकट्ठी करके बना के रखो और दिल खराब हो गया तो ये वस्तु किसी काम की नहीं है। तो साधक को प्रयास ये करना चाहिए कि क्रोध का संचार हमारे जीवन में न हो, क्योंकि क्रोध से हमारे जीवन की सारी महाराज साधना की पूंजी नष्ट हो जाती है। इन्होंने बताया कि मैंने संकल्प जो किया है यज्ञ करने का, मैं इन दुष्टों को मार सकता हूं और हुंकार से मार सकता हूं, किंतु मैं इन दुष्टों को क्रोध नहीं करना चाहता हूं क्योंकि क्रोध से सारा दग्ध हो जाता है। तो आप कृपा करके हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, आप हमको कुछ दे दीजिए। न च पुत्र कतम स्नेहम कर्तुम अर्हति पार्थिव। इन्होंने कहा स्नेह पास में बिल्कुल मत फंसिए और आप दीजिए। महाराज जब ये बात कही, इसलिए देखो भाई ये भी ध्यान रखने लायक बात ये है कि सामने मांगने वाला व्यक्ति जब आए, कोई भी क्यों ना हो, आप भावावेश में इतने मत आ जाओ कि जो मांगोगे सो हम दे देंगे। कई बार हम भावावेश में होते हैं तो कह देते जो मांगोगे सो दे देंगे, किंतु जब वह मांग करता है तो हमारे नीचे की जमीन खिसक जाती है। इन्होंने मारा संकल्प किया है, यहां पर संकल्प कर कहते हैं आप हमारे प्राणों को भी मांगोगे तो हम प्राण दे देंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महात्मा हमारे घर में आए हैं, सिद्ध हमारे घर में आए हैं। आज इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का और हो क्या सकता है? जो मांगोगे सो हम दे देंगे। जब इन्होंने बार बार ये वाक्य बोले तो हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा यदि आप देना ही चाहते हो तो आप तो राजा हो, अहम धर्म समतिष्ठे, मैं जानता हूं आप में धर्म का निवास है और मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं, आप अपने पुत्र राम का हमें दान करो। और राम ही दुष्टों का दमन कर पाएगा, जो महाराज कहा राम का हमको दान करो। इतने विह्वल हो गए राजा अधिराज सिंह दशरथ जी महाराज और रुदन करके बोले कि मैं राम को तो नहीं दे सकता हूं। स्नेह आदि के होने के कारण यहां जो वाल्मीकि रामायण में और तुलसीकृत रामचरितमानस में तो अलग ढंग के भाव हैं, यहां पर जिन भावों को दर्शाया है इन्होंने कहा कि मैं पुत्र तो नहीं दे सकता हूं, आपको जरूरत हो तो ये दशरथ चल सकता है। और दशरथ के पास ऐसा बाहुबल है और ये सैनिकों को भी लेकर साथ में चलेगा। बात यह है कि राम जाकर ऐसे दुष्टों से भी युद्ध नहीं कर सकते। रावण जैसे दुष्ट ये ऐसे शक्तिशाली हैं, राम हमारा कैसे युद्ध कर सकता है? राम में वह सामर्थ्य नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। जब इन्होंने कहा कि तम पुत्रम राज शार्दूल रामम सत्र पराक्रमम काक्ष पक्ष धर्म सूरम शिष्टम च दातुर्मरहसी, हमारे श्री कृष्णचंद भगवान मोर पंख धारण करते थे और राम जी कौवे का पंख धारण करते थे। राम जी अपने मुकुट में कौवे का पंख लगा के रखते थे। काक पक्ष धर्म शूरम,
ये काक का पक्ष धारण करने वाले राम जी काक का पक्ष क्यों धारण करते थे, कौए का पक्ष क्यों धारण करते थे, क्या बात है? बात ये प्रेमाधिक्य के कारण। काक भुसुंड जी से इनको इतना प्रेम था, काक भुसुंड जी बचपन से जुड़े हुए हैं, खेलने में भी उत्तर रामचरित्र मानस पढ़ेंगे, कविता बलि रामायण में तुलसीदास जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि भगवान भोजन करते करते किलकारी मारकर उठकर चल पड़ते थे। अब राजकुमार हाथ में दधी ओदन लपटा है, हाथ में दधी भी है ओदन मुख में भी लपटा है, कई बार रोटी लेकर निकल पड़ते थे, आंगन में जब रोटी गिरती थी तो काक भुसुंड जी उठा कर ले जाते थे, तो खाते थे तो भगवान को बहुत आनंद आता था, काक भुसुंड जी भी आनंद से भर जाते थे। भक्त पक्षपाती होने के कारण, देखो भाई ध्यान रखना, जिनका भगवान पक्षपाती न हो उनकी तो बात अलग है, हमारा भगवान तो पक्का पक्षपाती है। अगर भगवान पक्षपाती न हो तो ब्रह्म भले होगा, भगवान नहीं होगा। भगवान तो सचमुच के पक्षपाती हैं, वो भक्त का पक्ष तो लेते ही लेते हैं, तो भक्त के पक्षपाती होने के कारण दोनों ये पक्ष धारण करते हैं। कोई मोर पक्ष धारण करता है, मोर माने हमारी पक्ष जी, और कोई काक पक्ष धारण करता है। तो महाराज ये काक पक्षधारी हैं, तम पुत्रम राज शार्दूल रामम सत्य पराक्रमम, ये कह रहे हैं श्री हमारे विश्वामित्र जी महाराज कि जो तुम्हारा पुत्र है वो राज शार्दूल है, राजकुमारों में सिंह के समान है, इसके पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है और सत्य पराक्रमी है, काक पक्ष धारण करने वाले हैं, सूर है, आप उनको हमको दे दीजिए, आप मोह मत कीजिए। एक वाक्य और प्रयोग किया इन्होंने, न च पुत्र कृतम स्नेहम कर्तुमर्हसि पार्थिव न दास्यति जगत्यस्मिन् यत्र दैवं महात्मनाम। बोले देखो यदि तुम इस पुत्र को नहीं देते हो तो संसार में तुम्हारी अपकीर्ति होगी, और यदि दे दोगे तो कीर्ति होगी, क्योंकि तुमने देने का संकल्प किया है। हंत नूनम विजानामी, मैं जानता हूं और आप भी इस बात को जानते हो कि हमारे में इतना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के आधार पर जहां बैठे होंगे वहां भी कोई भी दुष्ट दानव नहीं आ सकता है, और आ सकता है तो हुंकार से भी हम मार सकते हैं। हम तो राम को इसलिए लेने के लिए आए हैं, राम यज्ञश्च मे यज्ञो यस्मिन् रामेण राक्षसाः हन्तया विघ्न कर्तारो मम यज्ञस्य वैरिणः। राम इस प्रकार से यदि करेंगे तो निश्चित रूप से राम का यश फैल जाएगा, और ये यज्ञ चलने वाला 10 दिन का है, ये 10 दिन के लिए आप त्याग करोगे और जीवन भर यश पाप प्राप्त करोगे। इन्होंने महाराज जब ये बात कही तो कहा कि मैं तो नहीं दे सकता, मैं राम के बगैर जी नहीं सकता हूं, तो थोड़ा इन्होंने कोप दिखाया। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यदि सीधे उंगली घी नहीं निकलता तो कई बार टेढ़ा करना पड़ता है, इनको लगा कि ऐसे तो ये देंगे नहीं, थोड़ा हम कठोर होते हैं, और कठोर होते ही महाराज ये डर गए। राजा अधिराज दशरथ और श्री अपने कुल पुरोहित से वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना की, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आप इनके प्रभाव को नहीं जानते हो। महाराज एक ऐसा प्रयोग किया है वशिष्ठ जी ने समझाने में, बोले श्री विश्वामित्र जी महाराज का प्रभाव ऐसा प्रभाव है, अगर तुम राम नहीं दोगे तो दूसरे राम ऐसे ही बनाने के सामर्थ्य रखते हैं। जैसा राम तुम्हारे पास है अपने संकल्प से ऐसा ही राम बना देंगे, और सच में विश्वामित्र जी महाराज ऐसे ही सामर्थ्यशाली थे, ऐसे ही प्रतिभा संपन्न थे, उनकी बनाई हुई सृष्टि भी है हमारे यहां संसार में, कई चीजें उनकी बनाई हुई है। इन्होंने कहा आप दे दो, आपका यश इसमें विस्तार होगा और जिससे तुम्हारा चारों तरफ यश फैलेगा, राक्षसक कूट कर्माणा, भले चाहे कितने कूट कर्म करने वाले राक्षस हों, निश्चित रूप से यश बढ़ेगा, और इनको तुम दान दे दो। तब राजा अधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने सेवकों को कहा कि तुम राम को लेकर के आओ, और श्री राम को लेने के लिए जो सेवक गए उनकी सेवा में जो संलग्न थे उन लोगों ने राम की दशा का वर्णन किया है। महाराज शरीर कृश हो गया है, किसी से किसी की ओर देखते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं,
और ये यदि बोलते नहीं हैं, ये भोजन नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है लक्ष्मण भी नहीं करते हैं। लक्ष्मण का शरीर भी कृशकाय हो गया, शत्रुघ्न का भी, कितने महाराज मंत्री पुत्र हैं जो राम के दुख के कारण दुखी रहते हैं। पता नहीं चलता है कि जब से तीर्थ यात्रा करके श्री राघवेंद्र सरकार आए हैं तब से ऐसी घटना क्यों घट रही है। ये किसी से बोलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, किसी की ओर निहारते नहीं है, किसी के गुण दोष की चर्चा नहीं करते। जब राजकुमारों ने महाराज ये घटना बताई, उन्होंने आकर के सारी अपने राम की दशा बताई, जहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज बैठे थे और जहाँ श्री विश्वामित्र जी महाराज बैठे थे, कहा कि महाराज एक एव वसत देशो जन शून्यो जनेश्वरा। आज ऐसा लगता है कि जंगल में केवल अकेले एकांत में बैठे रहते हैं, ऐसी उनकी दशा हो गई है। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि मेरे जैसा वैद्य नहीं होगा, ऐसे रोगी को तुरंत बुलाओ। और जान गए कि इनको रोग कौन सा है। और सचमुच में सदगुरु तो वैद्य ही हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर व्यक्ति के जीवन में सदगुरु वैद्य मिल जाए तो श्री राघवेंद्र सरकार को महाराज गए लेने के लिए। और राम को जब पता चला, महाराज वैसे तो ये कूटस्थ है, असंग है, किंतु महाराज उसके बाद भी इस रूप में रहते हैं, राम को लेकर के जब आए, लोगों ने देखा कृशकाय शरीर है, किंतु ऐसे महाराज समय में भी श्री राघवेंद्र सरकार हमारी मर्यादा नहीं भूलते हैं। और मर्यादा न भूल करके पिताजी को प्रणाम करते हैं, पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद पिताजी ने इनको अपने गोद में ही बैठाने का प्रयास किया, मस्तिष्क चुमा है, कपोलों को चुमा, आलिंगन भरकर कहा बेटा हमारी गोद में ही बैठ जाओ। इन्होंने कहा नहीं नहीं पिताजी, मैं नीचे बैठूंगा। और नीचे बैठ गए, गुरुजनों की ओर मुख करके। वशिष्ठ जी महाराज वहां बैठे हैं और हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी महाराज ने राम से दुख का कारण पूछा, या आतुम क्षणाद राम ये चैवम वयम क्षणाद, आप कृपा करके बताओ कि तुमको क्या मोह हो गया है। जैसे मेघों को महाराज बादलों को वायु उड़ा देती है, चाहे कितने घनघोर मेघ छाए हों, और वायु का झोंका आता है तो मेघ इधर से उधर चले जाते हैं, वैसे कहते हैं आपके जीवन में चाहे कितने मोह के बादल क्यों न हो, एक बार तुम बोलो हम अपने ऊपर उपदेश रूपी वायु से, तुम्हारे सारे के सारे मोह रूपी बादलों को मैं उड़ा दूंगा। यस्मिन मार्जते युक्ता मोहे च रघुनंदन, हे रघुनंदन क्या कारण है तुमको, क्यों मोह हो गया है, किस कारण से तुम आज इस प्रकार से दिख रहे हो। सत्यताम मुदताम प्रज्ञाम, तुम्हारे तुम्हारे हर प्रकार की प्रज्ञा तुम्हारे के पास में है, आप बताओ तो सही कारण क्या है। निजाम च प्राकृतम एव, आज जो तुम्हारा व्यवहार है किसी प्राकृतिक पुरुष के समान है, आप बताओ तो सही आपको दुख का कारण क्या है। बार बार महाराज आग्रह करके जब दुख का कारण पूछा है कि अब तुम समय से स्नान नहीं करते, समय से संध्या वंदन नहीं करते, समय से भोजन नहीं करते हो, लोगों से मिलते नहीं, समय से नींद नहीं लेते हो, रात रात भर जगते रहते हो, क्या कारण है बताओ तो सही। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राजपुत्र महाबाहो सूरस्तुम विजिता त्वया दुरच्छेदा दुराभ्यासा आपशी विषमारथा, आप दुख का कारण बताओ। जब बार बार महाराज ये पूछा तो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार बोलना प्रारंभ करते हैं। और एक जैसे सामान्य संसार का एक जिज्ञासु हो, उसके जीवन में जिस प्रकार की जिज्ञासा हो, आज मैं इनको पढ़ रहा था, मुझे लगा सच में जिज्ञासा कहते किसको है, जरा आप लोग इस बात को समझ लो। जैसे मोक्ष की इच्छा का नाम मुमुक्षा है, जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है, पानी पीने की इच्छा का नाम पिपासा है। पिपासा मोक्षा जिज्ञासा एक ढंग के ही शब्द हैं। आप पिपासा सच्ची पिपासा किसको कहोगे आप लोग। मैं कई बार लोगों से प्रश्न पूछता हूं, आज आपसे भी पूछ दे,
कोई व्यक्ति मरुस्थल में भटक गया हो और उसको लगे प्यास, ऐसा लगे कि बिना पानी के प्राण निकल जाएंगे, सामने से वह व्यक्ति आता हुआ देखे किसी को, बड़ा खुश हो कि शायद इससे पानी मिल जाएगा, और जब वो सामने आकर व्यक्ति खड़ा हो तो आपके साथ समझौता करे, यात्री के साथ समझौता करे कि हमारे पास एक गिलास पानी है और दूसरे थैले में 1 करोड़ रुपया है, तुम बताओ तुम्हें पानी चाहिए कि करोड़ रुपया चाहिए। तो यदि सच्चा प्यासा व्यक्ति होगा तो क्या मांगेगा? पानी मांगेगा पक्का ना, रुपया तो नहीं मांगेगा। जानता है कि यदि पानी नहीं मिला तो जिंदगानी चली जाएगी, और जिंदगानी चली गई तो फिर रुपया का क्या कहानी रहेगी? अरे भाई, जिंदगानी है तभी रुपये की कहानी है, और जिंदगानी ही न रहे तो रुपये की कहानी भी कोई नहीं है। तो वह अगर सच्चा प्यासा व्यक्ति होगा तो पानी ही मांगेगा। वैसे यदि हमारे जीवन में सच्ची जिज्ञासा है, बस ध्यान रखने लायक बात यही है, हमारे यहां शास्त्रों में पुराणों में बार बार ये बात कही गई है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम सागदे ब्रह्मण निष्णाता ब्रह्मण उपसमाश्रयम। शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की शरण ग्रहण करें, किंतु गुरु की शरण ग्रहण किस लिए करें? गुरु से क्या पाने के लिए हम गुरु का वरण करें? गुरु से यदि संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति स्थान को पाने के लिए हम गुरु का वरण करते हैं, इससे ज्यादा घटिया सौदा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। हम कहते हैं सबसे घटिया क्वालिटी का महाराज रिश्ता वह है, सौदा वह है जो हम गुरु से भगवत ज्ञान के अतिरिक्त कुछ पाना चाहते हैं, इससे ज्यादा। क्योंकि जहां हम भगवान को पा सकते हैं, आप कभी विचार करो, वहां से तुच्छ वस्तुएं मिल गई तो इसका क्या महत्व है, तुच्छ सामग्री मिल गई तो क्या महत्व है, तुच्छ नाम मिल गया तो क्या महत्व है, जहां से हम परम सुख परम आनंद। इसलिए गुरु का वरण इसीलिए करना चाहिए कि से की जिज्ञासा, प्रे की जिज्ञासा नहीं, श्रेय की जिज्ञासा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, श्रेय के शब्द का प्रयोग किया है, संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब प्रेम में है, स्थान आदि जितने भी हैं सब प्रेम में है, और जो हमारा बोध स्वरूप आत्मा है वो श्रेय में आएगा। तो हम अपने बोध को पाने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए ही गुरु का वरण करें। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? गुरु भी महाराज श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जैसे श्रुति कहती है, वह श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि संसार की दूसरी चर्चा में लड़ा रहेगा, श्रोत्रिय होगा ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा तब भी वह बोध नहीं करा पाएगा। श्रोत्रिय होना आपको विषय समझा तो देगा वो, किंतु निष्ठा तक आपको पहुंचाने वाला हुआ नहीं बनेगा, इसलिए स्वयं ब्रह्मनिष्ठा चाहिए। तो ये जैसे महाराज इन्होंने पूछा राम से कि आपके लिए, राम के लिए जीवन में जो ये मोह दिख रहा है ये केवल जिज्ञासा के लिए जग रहा है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, मैं तो कई बार दंग रह जाता हूं, शास्त्रों का चिंतन करता हूं, उसके पहले तो सुंदरकांड की चर्चा कर रहा था बैठ करके पंजाब में, तो मेरी दृष्टि गई वैदेही के विरह पर। जब श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने उनकी विरह अवस्था देखी तो क्या जानकी को कभी राम का विरह हो सकता है? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद तिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो जैसे उनका अलगाव नहीं हो सकता, उसके बाद भी जानकी विरह क्यों दिखा रही है? यदि जुदा नहीं है तो विरह क्यों दिखा रही है? विरह दिखाने का क्या कारण है? जानकी हम पामरों को सिखाना चाहती है, हम पामरों को सिखाना चाहती हैं कि हमारे जीवन में थोड़ी देर प्रीतम हमारा दूर हो गया तो हम इतने दुखी हैं, और तुम इतने वर्ष के हो गए भगवान को पाने के लिए निकले थे और अभी तक भगवान नहीं मिला, आराम से सोते हो आराम से खाते हो, तो सचमुच में क्या हम सच्चे प्रेमी हैं क्या? एक दिन भी यदि हमको नींद ना आई हो इसलिए
कि हम जिस विद्या को पाने के लिए निकले थे वो विद्या नहीं मिली, या जिसको पाने के लिए निकले थे वो नहीं मिला, तो हमारा ये समझिएगा अगर एक दिन भी हमारी नींद इसलिए आई हो तो हमारा साधक बनना सार्थक हुआ। और यदि हमको खूब नींद आ रही है, खूब आराम से सो रहे हैं, खूब आराम से चकाचक माल खा रहे हैं, और उसके बाद भी हम कहें कि हम जिज्ञासु हैं, हम तो मानने को तैयार नहीं है। आप भले ही थोड़े दिन के लिए मनोरंजन के लिए जैसे फिल्म देखते हो, ऐसे समय पास करने के लिए थोड़ा सत्संग कर लिया, इसमें आपके चित्त में प्यास जगनी चाहिए। राम ने जो अपने जीवन का दिग्दर्शन कराया है, मैं तो दंग रह गया, कई अध्याय में सुनाऊंगा आपको सारा, राम का कैसा चिंतन है, कैसी विचारधारा है। वह राम की अपनी विचारधारा नहीं है, वह तो स्वयं साक्षात ब्रह्म ही है। तो यदि वह मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं तो सचमुच में ये विचारधारा हमारी होनी चाहिए, हमारे चित्त में ऐसी उत्कंठा जागनी चाहिए, हमारे चित्त में ऐसी प्यास जगनी चाहिए। इन्होंने कहा भगवन भवत पृष्टो यथावद सुताखिलम कथम अविज्ञगोपी लंघयति तदवचा। ए ब्रह्मन, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, मैं अज्ञानी हूं और अज्ञान के कारण ही मैं महाराज आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप हमको क्षमा कीजिएगा। कभी आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कोई परीक्षा के लिए कोई प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं अपनी जिज्ञासा समाप्त करने के लिए पहले ही भगवान कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं, अज्ञानी होने के कारण मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। आप लोग महात्मा जन हैं, क्रमेण वृद्धिम संप्राप्तम प्राप्त विद्या से संशितम। वैसे तो मैंने आप गुरुजनों की कृपा से, अपने पिताजी की कृपा से मैंने गुरुकुल में जाकर अध्ययन किया है, वेद वेदांग का अध्ययन किया, क्रम से महाराज उसके बाद तीर्थ यात्रा करने के लिए गया और सदाचार पूर्वक मैं जीवन व्यतीत करता हूं। हमारे जीवन में सदाचार है किंतु उसके बाद भी मेरे जीवन में एक प्रश्न सदा बना रहता है, किम नामेदम वत सुखम चैव। आप कृपा करके बताइए संसार में कौन सा सुख ऐसा है जिसके लिए हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए हम इसमें अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि अस्थिरा सर्वे एवियम, इस संसार में कोई भी सुख स्थिर नहीं है। आप जिस भी सुख का नाम ले लीजिएगा वह अस्थिर है, अपने बस में भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे महाराज राम जी ने, तो ये तो मूल में आप लोग पढ़िएगा जरूर, ये समय मिले हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप सबसे, यहाँ तो स्वाध्याय वाले आप सब लोग हो, स्वाध्याय में प्रमाद न हो, योग वशिष्ठ को एक बार अपने आप भी पढ़ना चाहिए। आपको मूल संस्कृत का न मिल पाए तो गीता प्रश्न निकला ही है, भले उन्होंने संक्षेप में किया है उसको, किंतु मूल विषय वस्तु को बहुत समेटा है महापुरुषों ने ये करुणा करके, तो आप इसमें पढ़िएगा कवि चिंतन धारा। राम जी कह रहे हैं इनसे, हे गुरु आपसे मेरी प्रार्थना है, ये संसार में कौन सा ऐसा महाराज सुख है जिसके कारण हम लोग उसमें अपना समय लगा दें। मोहयंती मनोवृत्तिम खंडयंती गुणावलिम दुख जालम प्रेक्षंती विप्रलंभा पराश्रिया। महाराज मैं क्या कहूं, यहाँ के संपूर्ण सुख तो हमको मृग तृष्णा के समान ही लगते हैं, मृग तृष्णा के समान। आप लोग इसके अनुभवी हो, जब हम लोग छोटे थे ना तो समझते थे, अभी हम छोटे हमारी बात कोई समझता नहीं है, मैं बड़ा हो जाऊंगा स्वतंत्र हो जाऊंगा तब मैं सुखी बनूंगा। अभी मम्मा भी इतना डांट डपट करती है, पिताजी भी डांटते हैं, अध्यापक भी डांटते हैं, सब लोग डांटते हैं, तो छोटा हूं इसलिए दुखी हूं, जब बड़ा हो जाऊंगा तब सुखी बन जाऊंगा। बड़े हो गए, पढ़ाई पूरी हो गई तो सोचते हैं विवाह हो जाएगा तो सुखी बन जाऊंगा, और विवाह हो जाने के बाद फिर कहते अच्छा भाई अभी नहीं, बच्चे हो जाए फिर फ्री हो जाएंगे, फिर बच्चे हो जाए तो उनकी पढ़ाई कर ले, बच्चों की नौकरी लग जाए तब फ्री हो जाएंगे, तब सुखी बन जाएंगे। कितने लोगों के बच्चों की नौकरी लग गई, बच्चों के बच्चे हो गए, सच सच बताओ क्या सुख मिला है? अब लगा कि अब कुछ नहीं चाहिए,
उसके बाद और प्यास बढ़ती है। ये प्यास जो सुख की बिल्कुल मृग तृष्णा के समान है, राम जी हमारे कहते हैं बिल्कुल ये मृग तृष्णा के समान है संसार का। और इतना ही नहीं महाराज, मानो यदि हम धन के पीछे यहां से निकले तो महाराज जो धन है हमारे जीवन में उससे ज्यादा तो दुख देने वाला दुनिया में कुछ दूसरा है ही नहीं। ये योग वशिष्ठ काल ने तो गजब ही ढाया है महाराज, आपको क्या कहें। हम लोग अधिकतर संसार के लोग समझते हैं कि लक्ष्मी सुख देती है, ये कहते हैं लक्ष्मी जितना दुख देती दुनिया में कोई देता ही नहीं है। लक्ष्मी ये श्री जितना दुख देती इतना कोई देता नहीं। आप कहोगे भाई ये क्या दुख देंगी, एक तो ये चंचला है, एक जगह रहने वाली है नहीं, और दूसरी बात ये किसी से कभी प्यार नहीं करती। आज तक किसी से लक्ष्मी प्यार की हो तो बताओ, कभी रुपया ने आपको कहा कि हम बहुत प्यार करते हैं आपसे अलग नहीं होंगे? ये वन साइड लव है जी, ये जो वन साइड लव है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक तरफा जो प्रेम है ये श्री के साथ एक तरफा प्रेम है, और महाराज इसमें इतने दुर्गुण हैं आपको क्या कहें। इसको कमाने में परिश्रम और कमा करके रखने में परिश्रम, आप लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे, किस बैंक में डाला जाए, कैसे फाइल बनवाई जाए, जो इनकम टैक्स बच जाए, कैसे क्या किया जाए, कितनी खोपड़ी लगानी पड़ती कि नहीं लगानी पड़ती। अगर पत्नी के नाम मकान कर दिया जाएगा तो इनकम टैक्स बच जाएगा, तो पत्नी के नाम कर दिया जाए। ये माताएं हमारी सोचती हमारे नाम किया जा रहा हमसे प्रेम के कारण, ये प्रेम प्रेम के कारण नहीं किया जा रहा, इनकम टैक्स बचाने के लिए किया जा रहा है। आप लोग बड़े भ्रम में मत रहना, ये हमारी माताएं सोचती है कि हमारे नाम मकान इसलिए किया जा रहा है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, इनकी कृपा नहीं वो टैक्स बचाने के लिए होता है अधिकतर। तो नारायण ये कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, रजिस्ट्री में भी कम पैसा लगता है महाराज। हमको तो आपको क्या बताएं, हम तो फकड़ों के साथ रहे तो हमको तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो सारा संसार का झमेला हमको वृंदावन जाने के बाद पता चला। जब तक हम ऋषिकेश रहे तब तक हमको दुनिया का ककारा पता नहीं था। जब वृंदावन ये शरीर पहुंचा और बड़े बड़े सेठों के साथ उठना बैठना हुआ, पहले तो पकड़ों के साथ उठना बैठना था, इन सेठों के साथ उठना बैठना हुआ तब पता चला कि इसमें कितने झमेले हैं। और हम लोग तो महाराज हम तो अपनी बात कहते हैं, जब हम कथा करने के लिए वृंदावन से निकलते हैं तो बहुत आनंद में होते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, हमारा थैला कहाँ पड़ा है उसकी भी कोई परवाह नहीं। किंतु जब कथा करके हम जाते हैं वृंदावन तब रात्रि में नींद नहीं आती। आप कहोगे अब क्या मामला हो गया, अब क्यों हो गया, जिस थैले को हम छोड़कर कहीं भी चले जाते थे, हमारा थैला पड़ा इस नंबर में, आप घूम रहे हैं कहीं भी, अपने सेवकों के पास बैठ जाते थे, लौटते समय बिल्कुल नहीं जाते, वो थैला के पास ही बैठते, बाथरूम भी जाते सोते थैला कोई ना उठा ले जाए। एक दिन मैं सोचा सोनानंद उसमें ठाकुर जी पड़े उसको तेरी को चिंता नहीं है, उसमें जो लक्ष्मी जी आ गई उसकी चिंता है। तो स्त्री जी अगर श्री जी के भाव से हो तो कहां श्री जी के भाव से पूरा हो पाता है। राम जी महाराज ने इतने महाराज दुखों का इसमें वर्णन किया, लक्ष्मी के आपस में कलह करा दे, झगड़ा करा दे, भागवत में तो 18 दुर्गुणों का वर्णन है, ये कैसे कैसे, और साथ में जाने वाली महाराज एक भी लक्ष्मी नहीं है। और एक बात सूत्रात्मक आप हम सब समझ लें, आवश्यकता की पूर्ति कभी रुकती नहीं है और इच्छा की पूर्ति कभी होती नहीं है। हम तुम्हारा इतने सालों में देखे आज तक कभी हमको खाने की तो कमी नहीं पड़ी। एक रसीली घटना आपको बताएं, हमारे पूज्य स्वामी जी हंसान जी महाराज की पता नहीं कोई पूर्व जन्म का खेल था, ईश्वर की कृपा, पूर्व जन्म के पुण्य से तो संत कहां मिलते हैं, ईश्वर की कृपा से हमारे स्वामी जी के पास एक महात्मा थे, वो महात्मा को पता नहीं कहां से सोना बनाने की विद्या पता चल गई। अब वो महात्मा ने हमको समेट लिया, गंगोत्री में कोई जड़ी बूटी होती थी उस जड़ी बूटी को कूट करके तांबे को पिघला करके सोना बनता था। अपने राम को गंगोत्री ले गए साधु,
महाराज जी के यहाँ रहते थे, अभी तो पता नहीं कहाँ है, नाम था राम लखन दास, वो लेकर गए और वहां से जड़ी बूटी उखाड़ कर लाए, कूटा, उसको तामा पिघलाना था। ऋषिकेश में बहुत भटके हम लोग, कोई दुकानदार हमारा सुनार पिघलाए नहीं, पिघला कर कहे हम डालेंगे नहीं, क्योंकि धुआं से किसी की आंखें चली गई थी ऐसी रस्सी, तो कहा हम नहीं करेंगे, डलवाया। गोल गोल महाराज मामला बना तो सही, हम दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि सोना बन गया। स्वामी जी के पास लेकर आए, हमने कहा स्वामी जी सोना बन गया। स्वामी जी देखे, वो तो महाराज विरक्त महात्मा, अच्छा बन गया सोना, बाद में घिसा गया तो तांबई था, ऊपर चमक आई थी केवल, किंतु पूज्य स्वामी जी महाराज की करुणा देखिए, हम कई बार एकांत में रो पड़ते, ये संत की करुणा है। गंगा किनारे सत्संग पूरा हुआ, स्वामी जी वहीं पैर फैला के बैठ गए, मैं पैर दबा रहा था और स्वामी जी ने मेरे को बड़े प्यार से कहा कि सुमन, गंगा के उस पार वाला जो पहाड़ है वो सोने का है और हमने वो तुमको पूरा दिया। स्वामी जी ऐसे बोले, हमने तुमको पूरा दिया। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे सोने का, और हमको आपने ऐसे कैसे दे दिया, हमको मिल गया, झूठ मूठ से थोड़ी कुछ होने वाला है। स्वामी जी ने कहा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि तुमको पहाड़ का मिल गया, सोने का पूरा पहाड़, अब तुम सोना पर सोओगे कि सोना खाओगे? हमने कहा महाराज जी खाएंगे तो रोटी ही, सोएंगे बिस्तर पर, सोना थोड़ी कोई खाता है। उन्होंने कहा बाबरे, ऐसे बोले बाबरे, खाने की कभी तेरे जीवन में कमी नहीं रहेगी, और आज के बाद मैं न सुनूं कि तुम कहीं सोना बना रहे हो। बोले दोबारा ही हमारे कानों में कभी, बोले राम लखन दास को जो करना हो सो करे, उसको जहां जाना हो तहां जाए, आज के बाद तुम कभी इस विद्या में नहीं लगना। और महाराज बाद में हमने सोचा, सचमुच में अगर उस विद्या में लगे होते तो आज जो रस मिला है जीवन का कभी नहीं मिलता। ये गुरुजनों की कृपा, हेतु की कृपा। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार गुरुजनों के चरणों में वंदन करके कहते हैं, महाराज इसमें इतने दुख हैं, इतने दुख हैं पैसे में, हमने तो सारे इन दुखों का निरूपण कर लिया है और चिंतन कर लिया है, इसमें एक भी सुख का वास नहीं होता है। और पैसा आ जाने पर भोग में प्रवृत्ति न हो ये भी बहुत कम होता है। पैसा व्यक्ति के जीवन में होता है तो शांति से रहने नहीं देता, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, और भोग में प्रवृत्ति यदि हो गई तुम्हारी तो निश्चित रूप से वह अमर्यादित भोग यदि जीवन में आए तो नरक की ओर तुम्हें ले जाएंगे। आप देखिए, ये जीवन तो खराब हुआ ही हुआ और दूसरा भी जन्म नरक की तैयारी कर दी इस अनर्थ ने, तो बोले इस सुख में, इस राज वैभव में क्या रखा हुआ है, पिता के राज्य में क्या रखा हुआ है, इस वैभव में क्या रखा हुआ है। और बाद में तो नारायण हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने अहंकार का जो वर्णन किया है कि अहंकार के कारण व्यक्ति के जीवन में कैसे कैसे दुख आते हैं। ये संसार के जितने दुख हम भोग रहे हैं ये सारे दुखों का कारण अहंकार है। अहंकार माने असत शरीर के साथ जो तादात्म्यपन्न वृत्ति बन गई कि मैं 3.5 हाथ का शरीर हूं, और ये अहंकार माने मैं इसको अहंकार, ये अपनी जो एक वृत्ति है इस वृत्ति को शरीर के साथ जोड़ देना, इसकी मीमांसा मैं कल करूंगा। श्री राघवेंद्र सरकार ने 2 अध्यायों में, इसमें पूरे 2 सर्गों में इन्होंने अहंकार की ऐसी मीमांसा की है, ऐसी मीमांसा की है। और अज्ञान का ही कारण अहंकार है, अगर अज्ञान न हो तो व्यक्ति के जीवन में अहंकार नहीं आएगा। अहंकार के बाप का नाम अज्ञान ही है। श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा अज्ञानता के कारण ही अहंकार होता है, और ये अहंकार हमारे जीवन में कैसा दुख देता है, भोग में प्रवृत्ति होने से कैसे दुख होता है। इसलिए हमको रात भर नींद नहीं आती, रात भर इसी चिंतन में लगे रहते हैं कि कैसे उस विद्या की प्राप्ति हो जहाँ शोक न हो, तरति शोकम आत्मविद, वह आत्मविद्या की प्राप्ति कैसे हो। ये बात तो हमारे सुनी है हमारे श्री संत जन, मर बहुत आनंद से भर गए। वशिष्ठ जी का तो कहने क्या था, मुझे तो कई बार लगता है कि शायद सच्चे शिष्य को जितने महाराज सच्चे गुरु की तलाश नहीं होती है
उससे ज्यादा सच्चे गुरु को शिष्य की तलाश होती है। जिस दिन उसको मिल जाता है अधिकारी शिष्य, तो महाराज वह गुरुजन भी धन्य हो जाते हैं। तो हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज इतने आनंद से भर गए हैं राम के प्रश्न सुन करके। अहंकार दुख का कारण कैसे बनता है, अहंकार हमको नरक आदि में ले जाने का कारण कैसे बनता है, श्री राघव ने ये सब बातें गुरुजनों के चरणों में रखी हैं। इसकी चर्चा नारायण अब हम कल करेंगे। कल के सारे विषय बहुत रसीले हैं, क्योंकि प्रतिपादन शैली जैसे आप देखेंगे बढ़ती जाएगी और रस की ओर गति बढ़ती जाएगी। क्योंकि जिस समय हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज, आप जरा विचार कीजिएगा, कभी चिंतन कीजिएगा, राम जैसे श्रोता हो और वशिष्ठ जैसा भक्ता हो, उसमें ये जो ज्ञान वर्षण होगा वो कोई सामान्य ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि साक्षात जगत नियंता जगदीश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर हमारा शिष्य बनकर के बैठे हैं और हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज गुरु रूप में विराजमान होकर के, और जो हमारे सुखदेव जी महाराज के भी आदि गुरु हैं, वो ऐसे महाराज वशिष्ठ जी कैसे इस विद्या का प्रतिपादन करते हैं, इसकी चर्चा नारायण कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।